नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही नए नए विषय पर आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ। आज का जो विषय है वो है क्लिनिक। आप अपना नया क्लिनिक बनाने जा रहे हैं या आपका क्लिनिक पहले से बना हुआ है और उसमें वर्किंग अच्छी नहीं है, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और विचार करें। जिस प्रकार से मैं आपको सिटिंग और सेटिंग की जानकारी देने जा रहा हूँ, यदि आप उस प्रकार से अपने यहाँ सेटिंग और सेटिंग कर लेते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ आपके अपने क्लिनिक में वर्किंग अच्छी हो जाएगी। आप नया सेटअप बनाने जा रहे हैं तो आप एज पर वास्तु अपना सेटअप बना सकते हैं, और आपका अपना पहले से ही क्लिनिक बना हुआ है और उसमें वर्किंग अच्छी नहीं है, तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो देखें। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए और समझिए। आपका अपना क्लिनिक वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी है, तो उसमें हमेशा ही ध्यान रखना है आपका अपना क्लिनिक बाहर गली के लेवल से, रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। बाहर का एरिया नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने क्लिनिक के बाहर के एरिया में पत्थर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर वाइट कलर या ग्रे कलर का पत्थर लगा सकते हैं। आपका जो अपना शटर है, शटर के ऊपर जो कलर करना है वो वाइट कलर या सिल्वर कलर ही करना है। आप अपने क्लिनिक का जो बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड के अंदर जो कलर होने चाहिए वो वाइट कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर और येलो कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ अंदर आने का जो रास्ता है वो कहाँ से होना चाहिए? अंदर आने का रास्ता आपका वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर, यहाँ से आपका अंदर आने का रास्ता होना चाहिए। गेट से अंदर आने के बाद आपने अपने यहाँ पर जो मेडिसिन की स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आपने साउथ से लेके साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट के भाग में आपने अपनी स्टोरेज बनानी है, यहाँ पर आपकी अपनी मेडिसिंस आ जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर फ्रिज कहाँ रखना है। आपने अपने यहाँ पर फ्रिज साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना फ्रिज और इन्वर्टर रखना है। अब मैं बात करना चाहूँगा एग्जामिनेशन टेबल की। आपने अपने यहाँ पर एग्जामिनेशन टेबल कहाँ लगानी है? एग्जामिनेशन टेबल आपकी ईस्ट की दीवार के साथ, यहाँ पर आपकी अपनी एग्जामिनेशन टेबल आ जाएगी, जिस पर पेशेंट को लेटाकर डॉक्टर चेक करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर की सिटिंग कहाँ बनेगी। डॉक्टर की सिटिंग साउथ जोन में, ये डॉक्टर की टेबल आ जाएगी, यहाँ पे अपना डॉक्टर साहब बैठ जाएंगे। पेशेंट के लिए डॉक्टर साहब अपने लेफ्ट में भी पेशेंट को बिठा सकते हैं और अपने राइट में भी बिठा सकते हैं, जैसे कंफर्ट हो वैसे पेशेंट को आप अपने लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों जगह बिठा सकते हैं। पेशेंट के साथ जो मेम्बर आता है वो यहाँ पर बैठ जाएगा, और पेशेंट की वेटिंग एरिया आपने कहाँ बनाना है? पेशेंट का वेटिंग एरिया आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के भाग में आपने बनाना है, यहाँ पर आपके पेशेंट वेटिंग के लिए बैठ जाएंगे। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने पीने का पानी रखना है, और आपने अपने यहाँ पर मंदिर बनाना है तो मंदिर आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, यहाँ पर आपने अपना मंदिर बनाना है। ध्यान रखना है जब आप मंदिर नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाएंगे तो जो आपका अपना मेन गेट है जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है, उस गेट के ठीक सामने मंदिर आपने नहीं बनाना है। मंदिर या तो लेफ्ट में होना चाहिए या गेट के राइट में होना चाहिए। मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो आपकी एग्जामिनेशन टेबल है इसमें एक पर्दा भी लगाया जाता है, वो पर्दा आपका
ये आपका पर्दा लग जाएगा। ध्यान रखना है पर्दे का जो रंग होना चाहिए वो ग्रीन कलर होना चाहिए, और इसी के साथ जो आपकी एग्जामिनेशन टेबल है उसके ऊपर जो बेडशीट होनी चाहिए वो भी आपकी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो अपनी डॉक्टर की चेयर है, डॉक्टर की चेयर का जो कलर है वो रेड कलर या मैरून कलर होना चाहिए, और जो आपका पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया है उसमें आप सेटी रखते हैं तो उसकी गद्दी का जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर या ग्रे कलर ही होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी अपनी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी है लेकिन जो आपके अपने पेशेंट हैं वो संतुष्ट होकर नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं आपके अपने क्लिनिक का जो फर्श का लेवल है वो ऊंचा नीचा है या टूटा हुआ है या उसके अंदर खड्डे बने हुए हैं या आपके यहाँ दीवारों में सीलन है। हो सकता है आपके यहाँ जो फर्श है, फर्श की जो ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ साउथ वेस्ट की ओर है या फिर नॉर्थ से साउथ की ओर है। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जो पेशेंट है वो संतुष्ट होकर जाए, आप मेडिसिन भी अच्छी देते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है लेकिन आपका जो पेशेंट है वो आपसे संतुष्ट होकर नहीं जाता, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर जो आपकी दीवारों का रंग है वो पीच कलर या क्रीम कलर या बेज कलर ही होना चाहिए। आप अपने यहाँ फर्श ठीक कराते हैं या आप अपना नया फर्श बनाने जा रहे हैं तो उसका जो कलर है वो वाइट कलर या क्रीम कलर होना चाहिए, इसी के साथ जो फर्श की ढलान है वो साउथ से नॉर्थ की ओर ही होनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि ऐसा करने से आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी भी होगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, आपके यहाँ जो पेशेंट है वो संतुष्ट होकर भी जरूर जाएगा। आप ऐसा करेंगे तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि आपके यहाँ वर्किंग हमेशा अच्छी बनी रहेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।